खाकी पर भारी मेवात के गो तस्कर नाकाबंदी तोड़कर पुलिस वाहन को टक्कर मार 50 मीटर तक घसीटा। कुमेर थाना इलाका में गुरुवार तड़के करीब 4:15 बजे गो तस्करों ने जमकर उत्पाद मचाया, पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। रोकने पर पुलिस की बेलोरो को कंटेनर से टक्कर मारते हुए करीब 50 मीटर तक घसीट ले गए। दरअसल भरतपुर कुमेर थाना इलाके में गुरुवार तड़के करीब 4:15 बजे गौ तस्करों ने जमकर उत्पाद मचाया, पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। रोकने पर पुलिस को बलेरो को कंटेनर से टक्कर मारते हुए करीब 50 मीटर तक घसीट ले गए। बलेरो से सवार 7 पुलिस कर्मचारी बाल बाल बचे। करीब आधा घंटे तक दोनों के बीच विरोध चलता रहा। बाद में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, 26 गौवंश को मुफ्त कराया, जबकि एक गौ तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस ने भी जवाब में 15 राउंड फायर किए। यह घटना पास के ही स्थित एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार तड़के करीब 3 बजे से ही QRT व कुमेर थाना पुलिस की ओर से गश्त की जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर गांव सैंत के पास नाकाबंदी कराई गई। कुछ देर बाद ही गौ तस्कर गौवंश से भरी कंटेनर लेकर पहुंचे और नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। पुलिस की बेलोरो को टक्कर मारते हुए करीब 50 मीटर दूर तक घसीट लेकर गए। पुलिस कर्मचारियों की गाड़ी से हटकर जान बचानी पड़ी। इसके बाद गौ तस्करों ने पुलिस पर करीब 5 राउंड फायर किए। बचाव में पुलिस को भी 15 राउंड फायर करने पड़े। ऐसे में एक गौ तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर से 26 गौवंश मुक्त कराकर गौशाला भिजवाया है, जबकि दूसरा गौ तस्कर मुश्ताक पुत्र सुबराती मेव निवासी टाई जिला नुह को गिरफ्तार किया गया है। अगर शहर में भी गौ तस्करों की बात की जाए, आए दिन सामने आ रहे हैं। कुछ माह पहले आदर्श नगर कॉलोनी में एक लग्जरी गाड़ी में आवारा गौवंश को उठाकर ले जाने का मामला सामने आया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने फुटेज देखने वाले से सवाल करना शुरू कर दिया था। ऐसे में सुभाष नगर कॉलोनी व STC हाउसिंग बोर्ड में भी गौ तस्करी की बात सामने आई है। 11 फरवरी 2022 को मथुरा गेट थाना पुलिस व गौ तस्कर के बीच हाईवे पर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने 50 गौवंश को गौ तस्करों से चुंगल से मुक्त कराया था। 8 जनवरी 2022 को पहाड़ी के हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस व गौ तस्करों के बीच फायरिंग हुई, जिससे 13 गौवंश को मुफ्त कराया था। हालांकि तस्कर फरार हो गए थे। मई 2022 को मेवात के जुरेड़ा इलाके में गौ तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की, एक गौ तस्कर पकड़ा गया था। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।